मैनेट क्या है? MANET, मैनेट। जब हम कम्युनिकेशन में मैनेट को देखते हैं तो इसका मतलब है मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, मोबाइल का मतलब यह है कि चीजें मूव कर रही हैं, स्टैटिक नहीं है, किसी जगह खड़ी नहीं है। एडहॉक का मतलब यह है कि कोई परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई परमानेंट सेटअप नहीं है, चीजें हो रही हैं और फिर खत्म भी हो जा रही हैं, फिर हो जा रही हैं। नेटवर्क का मतलब यह है कि अलग अलग नोड्स, अलग अलग पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, कुछ ट्रांसमिट कर रहे हैं, कुछ रिसीव कर रहे हैं। मैनेट इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म मैंने बताया। अब ये एक कॉन्टिन्यूअसली सेल्फ कॉन्फिगरिंग है, इसका मतलब अपने आप ही कॉन्फिगर करता रहता है और हर बार कॉन्फिगरेशन चेंज होता रहता है, या खुद अपने आप को करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेस है, इसका मतलब इसके लिए कोई आपको सेटअप नहीं लगाने पड़ते, जैसे मोबाइल नेटवर्क के लिए टावर लगाने पड़ जाते हैं या फिर किसी और कम्युनिकेशन के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पहले लगाना पड़ता है, लोहे का इस्तेमाल करना होगा, गारे का इस्तेमाल करना होगा, इसकी जरूरत नहीं है, केवल डिवाइसेस चाहिए और एक नेटवर्क आप बनाएंगे। और यहां पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है तो मोबाइल डिवाइसेस ये बगैर वायर के कनेक्टेड होते हैं, इसका मतलब इनमें वायर की कनेक्टिविटी कहीं भी नहीं होगी। ये बस ये समझ लीजिए मूव कर रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और ये नेटवर्क में कभी ये आ रहा है, जैसे ये पॉइंट कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। हर एक डिवाइस इस मैनेट में, इस मोबाइल एडहॉक नेटवर्क में, ये फ्री है, ये मूव कर सकता है, घूम सकता है, यहां वहां जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। कभी ये इधर जाएगा, कभी ये इधर जाएगा। इसका मतलब ये है कि कभी ये इसके साथ लिंक बना देगा, कभी ये इसके साथ लिंक बना देगा। तो इसके लिंक भी चेंज हो रहे हैं और बड़ी फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी ये चेंज होते हैं इसके लिंक अलग अलग नोड्स के बीच में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है मैनेट के? पहली चीज इसमें आती है डायनेमिक टोपोलॉजी, दूसरा आता है बैंडविड्थ लिमिटेड कनेक्शन विद डिफरेंट कैपेसिटी, एनर्जी कंस्ट्रेंट और लिमिटेड प्रोटेक्शन एट द फिजिकल लेवल। इसको एक एक करके देखेंगे। पहली चीज यह है कि एक मैनेट में हर एक नोड अपने आप एक नोड है, अपने आप वो होस्ट का भी काम कर रहा है, राउटर का भी काम कर रहा है। यानी आप जब पीसी पे काम करते हैं, लैन वगैरह बनाते हैं, तो एक राउटर होता है बीच में, बहुत सारे पॉइंट्स या कहें कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। यहां पर राउटर की आवश्यकता नहीं है, नहीं होती। होस्ट अपने आप में होस्ट भी है, राउटर भी है, इसका अपना इंडिविजुअल बिहेवियर, ये ऑटोनोमस है, स्वतंत्र है उसके बिहेवियर में, आचरण में। नोड्स ये कभी भी नेटवर्क को ज्वाइन कर लेते हैं, कभी भी नेटवर्क से हट जाते हैं। इसका मतलब यह है कि कभी इसकी टोपोलॉजी मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, कभी आपको इसकी टोपोलॉजी आपको इस तरीके से ऐसी मिल जाएगी। ये सब जो मैं वर्टेक्स दिखा रहा हूं, ये नोड्स हैं। तो इसकी टोपोलॉजी चेंज होती रहती है, डायनामिक है, हमेशा बदलती रहेगी। तीसरी चीज इसमें आती है कि मोबाइल नोड्स, इसको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, क्योंकि मोबाइल नोड्स हैं, इनकी मेमोरी कम होगी, पावर कम होगा, लाइट वेट फीचर होंगे, हल्के होंगे, जो जो इसमें नोड्स कनेक्टेड है। ये नोड्स कुछ भी हो सकते हैं, ये फोन हो सकते हैं, ये आपके कोई और डिवाइस हो सकते हैं, यानी वॉकी टॉकी हो सकती है, ऐसे अलग अलग डिवाइस, कंप्यूटर हो सकते हैं, रेडियोज हो सकते हैं, ये सारे नोड्स वो हो सकते हैं। इसके बाद जितने भी नोड्स हैं उनके फीचर्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कॉन्फ़िगरेशन समझ लीजिए, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे और इनकी पावर, इनकी कैपेबिलिटी और इनका जो काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी ऑलमोस्ट सेम होगा। इसीलिए आप जब एक मैनेट की बात करते हैं तो यहां पर आपको सिमेट्रिक एनवायरमेंट मिलेगा, एक जैसी चीजें मिलेगी हर जगह। जब सोर्स नोड और डेस्टिनेशन नोड, मान लीजिए इनका कम्युनिकेशन या कहें आउट ऑफ रेंज हो जाता है सोर्स और डेस्टिनेशन में, तो यहां पर आपका एक नोड है, यहां एक नोड है, तो ये मल्टी हॉप से यहां पहुंचा देता है। यानी कि द मैनेट्स आर केपेबल ऑफ मल्टी हॉप राउटिंग, राउटिंग हो जाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब पैकेट्स भेजे जाते हैं, डेटा भेजा जाता है, वॉइस भेजा जाता है, तो यहां से वहां वो जाएगा मल्टी हॉप, यहां पर फिर यहां पर यहां पर, यानी कि पहुंचता है। अलग अलग तरीके के मैनेट होते हैं। सबसे पहला होगा वेहिकुलर एडहॉक नेटवर्क, वैनेट। इसमें व्हीकल आ गया, इसका मतलब चलती हुई ऑटोमोबाइल। स्पैन्स का मतलब है यहां पर स्मार्टफोन, ये एस जो आप देख रहे हैं ये स्मार्टफोन के लिए है, यहां वे वी जो देख रहे हैं वो व्हीकल से लिया गया है। ऐसी एक आई है इंटरनेट बेस्ड मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। ये तीन तरीके के अलग अलग हमारे मैनेट्स होते हैं। व्हीकुलर एडहॉक नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जब हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट या कहें मूविंग ऑटोमोबाइल और कोई राउट साइड इक्विपमेंट में बात करवाना चाहते हैं, या फिर हम व्हीकल और व्हीकल में बात करवाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक INVANETS होता है, जिसमें IN होता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट व्हीकुलर एडहॉक नेटवर्क। यहां पर आ जाता है AI, AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब खुद में इंटेलिजेंस, खुद अपने आप इंटेलिजेंट होता है ये चीजों को समझ के, और इसमें जो जिस तरीके से एल्गोरिथम लिखा होता है ये अपने आप को डेवलप करता रहता है। ये व्हीकल को या फिर ऑटोमोबाइल को, क्योंकि अब व्हीकल टू व्हीकल कोलिजन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, या और भी तरीके की चीजें आ सकती हैं जिसको इससे सॉल्व किया जा सकता है, या फिर इसको कंसिडरेशन में लिया जा सकता है, ये INVANET होते हैं। इसके बाद स्मार्टफोन एडहॉक नेटवर्क्स SPANS।
अब स्पैंस में क्या होता है कि जब आप देखें कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसको इनेबल करती है या फिर उस उन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है, वायरलेस टेक्नोलॉजीज जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, ये हमारी स्मार्टफोन्स पे होती है। जब स्मार्टफोन पे होती है तो पीयर टू पीयर, पीयर मतलब होता है एक इंडिविजुअल, पीयर टू पीयर नेटवर्क बगैर आप ना तो आपको सेलुलर नेटवर्क चाहिए, सेलुलर कैरियर नेटवर्क चाहिए, ना तो कोई एक्सेस पॉइंट जिसे हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स कहते हैं, ना आपको कोई पुराना कोई लगा हुआ जैसे हम हर जगह जैसे मोबाइल कंपनीज आपका नेटवर्क लगाती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है। इसको हम कहते हैं स्मार्टफोन एडहॉक नेटवर्क्स। ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल जो हब और जो हम पहले नेटवर्क्स देखते थे जैसे वाईफाई डायरेक्ट, उससे थोड़ा अलग है। ये मल्टी हॉप रिलेस एक जगह से दूसरे पॉइंट अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो अलग एक जरिए से या फिर के नेटवर्क राउटिंग से इसको पहुंचा देगा। और यहां पर कोई नोशन नहीं, कोई भी ग्रुप लीडर नहीं है, कोई भी अधिकारी नहीं है, मतलब मैं नोड्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि पीयर्स इंडिविजुअल जो नोड्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी और आगे चले जा सकते हैं, मतलब लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं नेटवर्क को बगैर नेटवर्क को खराब किए डिस्ट्रॉय किए हुए। इसके बाद है आई मैनेट्स, इंटरनेट बेस्ड मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स। एडहॉक नेटवर्क्स जहां पर ये लिंक होता है मोबाइल नोड्स और फिक्स्ड इंटरनेट गेटवे नोड्स में। अब आपके पास मोबाइल नोड्स हैं कुछ जो मूव कर रहे हैं, इसके अलावा आपके पास इंटरनेट गेटवे नोड्स है। जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं सब मैनेट्स, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं वीपीएन के थ्रू, ऐसा जैसे क्लासिक सब होप वीपीएन, वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ताकि आप एक ज्योग्राफिकली भौगोलिक तौर पर डिस्ट्रीब्यूटेड वितरित मैनेट बना सके। मैनेट के बहुत फायदे हैं, पहली चीज यह है कि स्केलेबल है, मैंने जैसे बताया नोड्स बढ़ते रहते हैं घटते रहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको स्केल कर सकते हैं या इसमें स्केलिंग हो सकती है, नंबर ऑफ नोड्स बढ़ सकते हैं। अब किसी भी जगह पे किसी भी समय इसको स्टैब्लिश किया जा सकता है नेटवर्क को, ऐसी जगह पर जहां पर बाढ़ आई है, ऐसी जगह जहां पर मिलिट्री का काम है, ऐसी जगह पर जहां पर कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है नहीं या टूट गई है, खराब हो गई है, एक्सपेंसिव कम है, पैसा कम लगता है, वायर नेटवर्क में आपको वायर लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, उस वहां पर यह फायदा करता है मैनेट। इसके अलावा ये आपको इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, जानकारी निकाल सकते हैं और आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, क्योंकि आपको ज्योग्राफिक पोजीशन की जरूरत नहीं है, यहां पर एक मैनेट बन गया, उसके बाद आप किसी भी जगह पर आप अपनी जानकारियां ले सकते हैं। कुछ चैलेंजेस भी हैं मैनेट में, या ही कहें लिमिटेशन भी है। जो वायरलेस लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टाइम वेरिंग है, यानी समय के साथ चेंज होती रहती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए जब आप नेटवर्किंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, जब भी एक डिवाइस आएगा तो उसमें कई तरीके के इंपेडिमेंट्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन के तहत। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो फेडिंग होती है, जो सिग्नल होता है वो फेड हो जाता है, यानी कि सिग्नल कुछ इस तरीके से चला और पहुंचते पहुंचते वो ऐसा हो गया, पाथ लॉस होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, और दूसरे सिग्नल के साथ ये हो सकता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए इसका। तो बहुत सारे इसमें बिहेवियर है, ससेप्टेबल बिहेवियर है, क्योंकि वायरलेस चैनल है, या नुकसान डेटा का नुकसान या कहें पैकेट्स का नुकसान या इंफॉर्मेशन का नुकसान पॉसिबल है। दूसरा यह है कि इसकी रेंज बहुत लिमिटेड है, क्योंकि ये डेटा रेट्स कम होते हैं, इसमें वायरलेस नेटवर्क है, एडहॉक नेटवर्क है, वायरलेस नेटवर्क जो बाकी है या वायर नेटवर्क है उसके बनिस्बत इसके डेटा रेट्स बहुत कम है। इसके बाद एक और चीज आती है पैकेट लॉसेज, जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि जब ट्रांसमिशन हो रहा होता है तो एक ट्रांसमिशन में बहुत सारे एरर्स आते हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको बहुत अच्छे से देखा है। इसका मतलब यह है कि क्योंकि यहां पर पैकेट बहुत सारा लूज हो जाते हैं, और जैसे एग्जांपल लूं मैं हिडन टर्मिनल्स, वहां पर कोलिजन हो जाता है, पैकेट में कोलिजन हो जाता है, इंटरफेरेंस हो जाता है, बार बार पाथ ब्रेक हो जाता है, और जो नोड्स घूम रहे हैं तो कभी वो पैकेट नहीं पहुंच पाते हैं, चाहे पीछे एल्गोरिथम काम कर रहा हो, तो ज्यादा कोलिजन होते हैं। और खासतौर पर इसलिए होते हैं क्योंकि हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम्स है यहां पर, क्योंकि जो एडहॉक नेटवर्क बन रहा है उसमें नेटवर्क में नोड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हिडन नेटवर्क छुपा हुआ टर्मिनल यहां पर एक प्रॉब्लम आती है जो आप एरर में देखेंगे, तो डेटा का फुल ट्रांसमिशन थोड़ा कम रहता है। दूसरी चीज है नेटवर्क पार्टीशन होता है। नेटवर्क पार्टीशन का मतलब यह है क्योंकि नोड्स घूम रहे हैं तो बार बार जो नेटवर्क है वो टूटता रहता है और जुड़ता रहता है। इसका मतलब जो बीच के इंटरमीडिएट नोड्स हैं वो ज्यादा इससे इफेक्ट होते हैं। लिमिटेशन ऑफ मोबाइल नोड्स, क्योंकि कोई भी मोबाइल नोड लें, जब आप कह रहे हैं कि इसकी बैटरी कम होती है किसी भी डिवाइस की, अगर आप देखें एक लैपटॉप की बैटरी को कंपेयर करें किसी मोबाइल फोन की या किसी और रेडियो की जिसमें हाई डेटा पावर हो या बाकी कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया हो, तो वहां पर बैटरी अगर कम होगी तो फिर नेटवर्क में ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगा वो। मैनेट के एप्लीकेशन बहुत जगह पर है, मेनली इसका मिलिट्री में है, डिफेंस सर्विसेज में है, क्योंकि यहां पर मिलिट्री बहुत सारे एडवांटेज ले सकती है। जैसे सोल्जर उसके व्हीकल्स जा रहे हैं यहां वहां और एक मिलिट्री इंफॉर्मेशन देना है या कोई इंफॉर्मेशन जानी है हेडक्वार्टर में, या व्हीकल से व्हीकल में ट्रांसमिशन होना है, और सबसे बड़ी बात यहां पर आप ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना है ना आपको और कोई व्यवस्था करना है, तो मिलिट्री में इस मैनेट का बहुत बड़ा उपयोग है। इसके अलावा यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन, कहीं पर नुकसान हो गया, कहीं पर फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई,
आग लग गई वहां पर इमरजेंसी रेस्क्यू सिचुएशन में इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो सकता है, होता है। इसके बाद बिजनेस वर्क है, आप बिजनेस वर्क है अगर आप एक्सचेंज करना इंफॉर्मेशन, कहीं इमरजेंसी मीटिंग होनी है आपकी, तो वहां पर आप मैनेट का उपयोग कर सकते हैं, वहां पर यह नेटवर्क स्टैब्लिश किया जा सकता है। और सबसे बढ़िया क्लास और क्लासरूम हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहां पर डेटा को देने में मल्टीमीडिया नेटवर्क, चाहे आपके पास नोटबुक कंप्यूटर हो, तो पार्टिसिपेंट्स के बीच में जो लोग आए हैं उनके बीच में या कैंडिडेट आए हैं उनके बीच में आदान प्रदान की व्यवस्था आप इससे कर सकते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क आप खुद का एक नेटवर्क बन सकता है क्योंकि शॉर्ट रेंज है और क्योंकि एक आदमी है इसमें, एक यू आर ओनली द पर्सन, तो आप अपना भी एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं मेरिट के थ्रू। तो ये बात की हमने मेरिट की। मेरिट एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, या ये कहें बहुत बढ़िया एक स्कीम है, जिसमें आपको बगैर कोई इनपुट, बहुत सारे इनपुट किए हुए, एक बार आपने व्यवस्थित कर दिया तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।